भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे दक्षिण कन्नड़ा के जनप्रिय सांसद श्री नलिन कुमार कटिल जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, एमएलए श्री डी वेदव्यास कामत जी, वाई भरत शेट्टी जी, श्री राजेश नाइक जी, श्री उमानाथ कोटियान जी, श्री हरीश कुंजा जी, हमारे भागीरथी मुरलिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सतीश कुंपाला जी, कैप्टन ब्रिजेश चौड़ा जी, नितिन कुमार जी, राजेश कावेरी जी, सुधीर शेट्टी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, एल्ला नम्मा बूथ कार्यकर्ता गळिगे नमस्कार। जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी अवरंदु पुना हरीशी तन्नी, इससे ज्यादा नहीं आता। आज हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो इस मतदान क्षेत्र में और विशेष रूप से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालते हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका यहां पर मुझे मिला है। और वैसे भी मैं मुंबई से आया हूं और मैंगलोर और मुंबई का एक बहुत अच्छा नाता है। मैंगलोरियंस की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ये मुंबई में बसती है और वे सारे के सारे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए यहां पर भी कई लोगों से जब मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वहां की एक्सटेंडेड फैमिली ही मुझे यहां पर मिल रही है। इसलिए आप सभी से मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। अभी हमारे नलिन कुमार कटिल जी ने और कोटा श्रीनिवास पुजारी जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने यहां की परिस्थिति, देश की परिस्थिति, ये सारी चीजें रखी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 2024 का चुनाव है, 2024 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन एक अपने आप में इतिहास तैयार करने वाला इलेक्शन है। साधारणतः किसी सरकार को हम 5 साल के लिए चुनते हैं, वी इलेक्ट अ गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो कोई सरकार 50 साल में नहीं कर पाई, इतना काम 10 साल में मोदी जी ने किया। और मैं हमेशा ये कहता हूं 2024 to 2029 ये पीरियड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2014 से 2024 दिस 10 ईयर्स ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर 2024 से 2029 में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, जिस प्रकार से देश में गरीबी बढ़ी थी, जिस प्रकार से देश में एक असमानता बढ़ी थी, ये सारी चीजों को ठीक करने में 10 साल मोदी जी ने काम किया। और आज हम देख सकते हैं कि जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। और 10 सालों में ये क्यों, देखिए हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 70 ईयर्स लगे और मोदी जी ने
मात्र 9 वर्षों में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दी और मोदी जी ने गारंटी दी है कि थर्ड टर्म मुझे मिलेगा, उस थर्ड टर्म में भारत को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मैं बनाऊंगा। और आपको मालूम है ये मोदी जी की गारंटी है, ये गारंटी कोई कांग्रेस की गारंटी नहीं है। तो कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार आई, इतनी सारी गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। और अभी तो उनकी हालत ऐसी है, एमएलएस को भी पैसा नहीं देते, डेवलपमेंट का भी पैसा नहीं देते, और उनको पूछा क्यों नहीं देते तो कहते हैं गारंटी पूरी करनी है। जब गारंटी पूरी करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी गारंटी दे दी है, कैसी पूरी करेंगे, हम इसको पूरा नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो लोगों को मूर्ख बनाकर सिद्धरमैया जी की सरकार यहां पर आई। ये सिद्धरमैया की गारंटी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा काम क्या किया, इस देश के अंदर एक नई डिलीवरी सिस्टम तैयार की। आपको पता है राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे 85 पैसे गोज इनटू करप्शन, ये करप्शन में चले जाते हैं, ऐसा खुद देश के प्रधानमंत्री कहते थे। मोदी जी ने कहा मैं ऐसी व्यवस्था तैयार करूंगा 1 रुपया दिल्ली से निकलेगा तो लास्ट मैन को पूरा 1 रुपया मिलेगा, 1 पैसा भी किसी को खाने के चांस मैं नहीं दूंगा। और ऐसी सिस्टम मोदी जी ने तैयार की। आज हम देखते हैं करोड़ों लोगों को शौचालय मिला, करोड़ों लोगों को घर मिला, करोड़ों घरों में गैस गया, करोड़ों घरों में पीने का पानी गया, करोड़ों घरों में बिजली गई, करोड़ों करोड़ों लोगों को स्टार्टअप के अंदर, स्टैंडअप के अंदर अलग अलग प्रकार के लोन वहां पर मिले, मुद्रा के लोन मिले। लेकिन इस देश में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मोदी जी की स्कीम को लेने के लिए मुझे 1 रुपया देना पड़ा, किसी को नहीं देना पड़ा, सबके घर में सीधे मोदी जी ने उनके बैंक अकाउंट में ये सारा पैसा दिया या उनको डायरेक्ट योजनाएं दी। इसके कारण इस देश में करप्शन लेस इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार मोदी जी ने खड़ी की। इसका परिणाम क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये हुआ इस देश में 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा के ऊपर आए। और अभी अभी एक जो नया रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब भारत में मात्र 3% पीपल, केवल 3% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में बचे, उससे सारे लोग पॉवर्टी के बाहर आ गए। इस प्रकार का रिपोर्ट आज हमारे सामने आया। तो एक प्रकार से देश को बदलने का काम ये मोदी जी ने किया। और इसमें सबसे बड़ी मोदी जी की जो उनका गुण है वो ये है कि भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने गरीबी निर्मूलन का सहारा किया। शायद देश के 50 बड़े उद्योगपति, इनको मदद करके भी देश को आर्थिक दृष्टि से बड़ा बनाया जा सकता था, लेकिन उससे गरीबी कभी दूर नहीं होती। मोदी जी ने सारा पैसा देश का गरीबों के, मध्यम वर्गियों के, मिडिल क्लास के, उनके डेवलपमेंट के लिए लगाया और उससे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हुई, उससे लोगों को जॉब्स मिले, उसके कारण देश बड़ा हुआ। और इसीलिए आज एक बहुत ही ऐसे मकाम पर हमारा देश है कि आने वाले दिनों में हमारा मिडिल क्लास बढ़ता जाएगा और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम खत्म कर पाएंगे। आज हम लोग देख सकते हैं, कल ही मोदी जी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि भारत ने 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर तक जिसको लॉन्च किया जा सकता है ऐसा मिसाइल
तैयार किया। अब इसके मायने क्या है? एक मिसाइल तैयार होता है तो मतलब क्या है? हम में से कोई कह सकता है भाई मिसाइल तैयार हो गया तो हमको क्या उससे फायदा है? अब भारत ऐसे देशों की लीग में पहुंचा है कि भारत को अब कोई हाथ नहीं लगा सकता, भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम यहां बैठकर 7000 किलोमीटर दूर भी टारगेट को मार सकते हैं। ये ताकत भारत ने अपने बलबूते पर तैयार की जो केवल अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। और ये ताकत तैयार होने के बाद चाइना भी अपने तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। ये ताकत आज भारत ने तैयार की है। आज हम लोग देख सकते हैं कि जो भारत हर चीज इंपोर्ट करता था, गोलियां इंपोर्ट करते थे, गन इंपोर्ट करते थे, तोप इंपोर्ट करते थे, एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करते थे, हर चीज हमारे जो डिफेंस की जितनी इक्विपमेंट है, नेट इंपोर्टर हम लोग थे। आज ये सारी चीजें अपने देश में बन रही है और हम लोग आज 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो देश इंपोर्ट करता था 10 साल पहले, वो आज एक्सपोर्ट कर रहा है। और इससे फायदा क्या है? दुनिया में वही देश शांति कायम कर सकता है जो स्वयं मजबूत हो। जो मजबूत नहीं, जो कायर है, जो डरपोक है, वो कभी शांति कायम नहीं कर सकते। आपकी ताकत होगी तो लोग आपसे डरते हैं, ताकत नहीं होगी तो आप कितने भी भाषण दे दो कोई डरता नहीं है। आज भारत उस प्रकार का देश बना है। हमने देखा G20 की लीडरशिप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली। पहली बार G20 के इतिहास में मोदी जी ने पूरे देश के 60 शहरों में G20 का सम्मेलन किया। और वो सम्मेलन करने के बाद दिल्ली में जब डिक्लेरेशन की बात आई, लोग कहते थे डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका रशिया को मानने को तैयार नहीं, यूरोप अमेरिका को मानने को तैयार नहीं, अरब राष्ट्र यूरोप को मानने को तैयार नहीं, अफ्रीका यूरोप को मानने को तैयार नहीं। लेकिन मोदी जी ने सारे देशों को एक साथ बिठाकर और G20 के इतिहास में ऐसे टर्बुलेंट समय पर पूरे सबने मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन दिया। और दिल्ली डिक्लेरेशन के कारण एक बात पक्की हो गई कि जो प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के नेता थे, वो केवल हमारे देश के नेता नहीं रहे, वो विश्व के नेता बने। पूरे विश्व ने उनका नेतृत्व माना और दुनिया के 19 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को उनका सर्वोच्च सम्मान दिया। इस प्रकार का नेतृत्व आज हमको प्राप्त हुआ है। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार हुआ है। आज वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में हमारे कतिल जी गए थे। वंदे भारत ट्रेन जो दुनिया के किसी भी प्रगत राष्ट्र की ट्रेन से अच्छी ट्रेन है, ये पूरी की पूरी ट्रेन भारत में बनी है। और धीरे धीरे अभी तो 180 की स्पीड से भागती है। मुझे रेल मंत्री जी कह रहे थे कि हम थोड़ा जो पटरी है, रेल रूट है, उसको ठीक कर रहे हैं। उसको ठीक करने के बाद 250 किलोमीटर पर आवर से हमारी वंदे भारत ट्रेन जाएगी। तो आप विचार कीजिए जिस प्रकार के आज हम लोगों ने रोड का नेटवर्क तैयार किया है, हमारे कर्नाटक में भी हम लोग देख सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर हाईवेज इससे पहले कभी बने नहीं थे, इतने हाईवेज यहां पर बने हैं। पर मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं कि मैं लेह लद्दाख गया था और वहां पर एक सेना के साथ, एक मिलिट्री के साथ मेरा प्रोग्राम था और वहां के मिलिट्री के जो कमांड के प्रमुख अधिकारी है उनके साथ मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू थैंक मोदी गवर्नमेंट। ने कहा किस लिए? उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर जो रास्ते उन्होंने बनाए। और फिर उन्होंने बताया कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस सरकार में हमने कहा कि चाइना बॉर्डर तक रोड से लेकर आ रहा है और चाइना अगर बॉर्डर तक रोड बना देगा तो चाइना का आर्म्स एंड अम्युनिशन 24 घंटे में बॉर्डर पर आएगा और वो हम पर हमला करेगा। और हमारे यहां रोड्स नहीं है, हम 8 दिन तक आर्म्स एंड अम्युनिशन वहां पर मूव नहीं कर पाएंगे और हमारे देश की हालत खराब हो जाएगी। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा हम इसीलिए रोड नहीं बना रहे क्योंकि चाइना खुद की बॉर्डर तक तो आ जाएगा लेकिन अपने बॉर्डर में तो रोड ही नहीं है, तो अपने बॉर्डर में कैसे घुसेगा? इसलिए चाइना अपने बॉर्डर में नहीं आया इसलिए हम रोड नहीं बना रहे। इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण जवाब उस समय मिलता था।
मोदी जी की सरकार ने ऐसे रोड वहां पर बॉर्डर पर बनाए कि चाइना 24 घंटे में अपनी सेना लेकर आएगा तो भारत 12 घंटे में अपनी सेना लेकर 12 आवर्स में वहां पर पहुंच सकता है। तो इस प्रकार के रोड्स, लेकिन केवल बॉर्डर पर नहीं, हर राज्य में आज हमारे हाईवेज देखिए, आज हमारे एयरपोर्ट्स देखिए, जिस भारत में 74 एयरपोर्ट थे उस भारत में अभी 150 एयरपोर्ट, यानी 10 साल में दुगने, 2 times एयरपोर्ट ये भारत में मोदी जी ने बनाए। और इसके साथ साथ आज हम लोग देख सकते हैं कि 15 करोड़ लोग ये फ्लाइट से आज घूमते हैं। और एक एयरपोर्ट जब बनता है, आज आप किसी भी बिजनेस को पूछिए कि आप बिजनेस कहां लगाएंगे, वो कहता है जहां पास में एयरपोर्ट है वहां मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, जहां पास में एयरपोर्ट है वहां मैं बिजनेस करूंगा। एयरपोर्ट ये केवल लग्जरी नहीं है, अब देश में एयरपोर्ट ये इस प्रकार का कम्युनिकेशन का साधन है कि जहां एयरपोर्ट होता है वहां बिजनेस जाता है, वहां फैक्ट्री जाती है, वहां इंडस्ट्री जाती है और वहां पर जॉब्स तैयार होते हैं। ये मोदी जी ने निश्चित रूप से करके दिखाया है। आज आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तो दुगनी हुई है। मुझे बताया जा रहा था कि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां 10 मेडिकल कॉलेजेस है। तो आज हम लोग देख सकते हैं भारत में एवरी ईयर 50,000 डॉक्टर्स तैयार होते थे, पिछले 10 सालों में 1 lakh डॉक्टर हर साल हम तैयार कर रहे हैं और अगले 3-4 सालों में 1,50,000 डॉक्टर्स हम तैयार करेंगे। आज जो हमको दिखता है कि डॉक्टर्स की कमी है ये पूरी तरीके से दूर होगी और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी हम लोग तैयार करें। इतना ही नहीं, भारत में यूनिवर्सिटीज की संख्या ये मोदी जी ने 2.5 times बढ़ाई है, 2.5 times यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध हुई है। और ये सब करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सबसे बड़ी बात मोदी जी ने कोई की होगी तो हमारी भाषा में हम पढ़ सकते हैं। पहले डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, MBA बनना था तो केवल इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, अब कन्नड़ा में पढ़कर भी डॉक्टर बन सकते हैं, कन्नड़ा में पढ़कर भी इंजीनियर बन सकते हैं, कन्नड़ा में पढ़कर भी हम लोग MBA बन सकते हैं। ये मोदी जी ने भाषा का बैरियर ये पूरे तरीके से तोड़ दिया और हमारे युवाओं को एक मजबूत इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर तैयार करके दी है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एक मजबूत भारत तैयार हो रहा है। आज हम लोग देखते हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद वादा खिलाफी तो हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका एक भी प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए, पर एक बार हम लोग इसके लिए भी उनको माफ कर देते कि उन्होंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतों को, एंटी इंडियन ताकतों को जिस प्रकार से सिद्धरमैया जी की सरकार मजबूती दे रही है, PFI पर बैन लगा, देश के खिलाफ पाकिस्तान को मदद करने वाले लोग बैन लगकर उनको जेल में डाला, सिद्धरमैया की सरकार आई, सबको छोड़ दिया, कहा चलो आप अपना काम करो, जोरों से पाकिस्तान को मदद करो, जोरों से देश को बर्बाद करो। ये कौन सी सरकार है, कौन सी नीति है, कौन सी नियत है? इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के लोग वोट के लिए इतने लालची हो गए, वोट के लिए इतने इस प्रकार से उनका काम चल रहा है, लाचार हुए हैं कि वो देश का भी विचार नहीं कर रहे। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट नेशन, ये देश का भी विचार नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार के हालात है, उन हालातों में आज कर्नाटक में सरकार के बदलने के बाद देश विरोधी ताकतों को जिस प्रकार से ताकत मिल रही है, और बम विस्फोट होता है तो मानने को तैयार नहीं, कहते हैं प्रेशर कुकर का कुछ हो गया है, और ऐसे सभी लोगों को बचाने का प्रयास, उनको सेव करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वी आर नॉट वोटिंग फॉर BJP, वी आर वोटिंग फॉर भारत। हम BJP के लिए वोट नहीं कर रहे, हम भारत के लिए वोट कर रहे हैं, हम BJP के लिए काम नहीं कर रहे, हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सेफ भारत, एक अच्छा भारत, एक प्रगतिशील भारत और एक प्रगतिशील राज्य कर्नाटक अगर हमको तैयार करना है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। भारत का भविष्य और भवितव्य
ये केवल मोदी जी के हाथों में सेफ है, इसलिए हम लोग इस चुनाव में उतरे। मैं आपसे इतने निवेदन करने आया हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको एक संदेश दिया है, ये लड़ाई बूथ में लड़नी है, बूथ में, ये लड़ाई हमको बूथ में लड़नी है। हम सारे के सारे नेता बनकर हमारे एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते रहे, हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते रहे, हमारे गांव में घूमते रहे, कोई फायदा इसका नहीं है। फायदा किस चीज का है? एक ही चीज का फायदा है, हम लोग बूथ में काम करें। आज हम लोगों ने बूथ की सारी व्यवस्था खड़ी की है और हर बूथ में मोदी जी की सरकार का बेनिफिशियरी है, उस बेनिफिशियरी तक जाकर उसको मोदी जी के प्रति एक बार आवाहन करना है, उसको अपील करनी है कि देखिए हमारी सारी स्कीम्स का बेनिफिट, मोदी जी की स्कीम्स का बेनिफिट आपको मिला है, आगे भी आपको बेनिफिट देना है, इसलिए मोदी जी की सरकार चुनकर लानी है, ये हमको यहां पर करना होगा। और मेरा विश्वास है आज हमारे नलिन कुमार कटील जी जैसे एक बहुत ही, जिसको हम कर्मठ कह सकते हैं, इस प्रकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको मिले, जो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच घूमते हैं। मैं भी, मुझे वो, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने आजू बाजू में पूछा तो जिस प्रकार के डेवलपमेंट के वर्क्स ये किताब जो आपने छापी है इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किए, इतनी केंद्र सरकार की योजनाएं यहां पर आई है, तो मुझे लगता है कि जब ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट तो अपने जगह जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक कल्चरल रेनेसां भी हम देख रहे हैं, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हम लोग देख रहे हैं। जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो केवल एक मंदिर नहीं बना, हमारा स्वाभिमान वहां पर प्रस्थापित हुआ। 500 साल पहले हमारे स्वाभिमान को जो अपमानित किया गया था, उस अपमान से बाहर निकलकर भारत ने फिर एक बार अपने आप को प्रस्थापित किया। तो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का दौर है, एक नया भारत तैयार हो रहा है, एक विकसित भारत तैयार हो रहा है, और ये विकसित भारत तैयार होते हुए ये अंग्रेजों के तर्ज पर नहीं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के तर्ज पर नहीं, तो मोदी जी भारतीय मूल्यों के आधार पर भारत का निर्माण कर रहे हैं, और इस निर्माण कार्य के सैनिक के रूप में हम सब लोगों को मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है इतिहास जब भारत का लिखा जाएगा, तो उस समय लोग देखेंगे कि जिस समय मोदी जी न्यू इंडिया तैयार कर रहे थे, कौन कौन मोदी जी के साथ था, तो हमारा सबका नाम उस समय लिखा होगा, वी वेयर द पीपल हु वेयर विथ मोदी जी, यहां बैठे हुए सारे लोगों का नाम लिखा जाएगा, ये लोग हैं जो मोदी जी के साथ में थे। इसलिए अगला एक महीना, जस्ट वन मंथ, नॉट मोर देन दैट, एक महीना हम अपने सारे काम छोड़कर अपने बूथ में काम करेंगे, मोदी जी का संदेश बूथ में ले जाएंगे, मोदी जी का संदेश एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और मेरा विश्वास है, कई लोग ये कहते हैं कि कर्नाटक में क्या होगा, सरकार चली गई, बट वी आर कॉन्फिडेंट इस बार कर्नाटक में बीजेपी और अलायंस एक भी जगह नहीं हारेंगे, वी विल विन ऑल द सीट्स, सारी सीट्स। और आज का दिन आप लिख लो और आपकी डायरी में लिख लो कि महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस आया था और उसने भविष्यवाणी की कि कर्नाटक की सारी सीटें हम जीतने वाले हैं। आप जब जीतोगे और जब उसका विजय उत्सव मनाओगे तो वापस मुझे बुलाना, तब आकर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो मैंने बोला था वो हुआ। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, ये कोई नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट कुछ भी कहे, मैं तो ये कहता हूं आज मोदी जी को सबसे ज्यादा समर्थन अगर कहीं मिल रहा है तो साउथ इंडिया में मिल रहा है, साउथ इंडिया का। कर्नाटक तो हमारा है ही, लेकिन आज चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, हर जगह एक ही लहर चल रही है, मोदी लहर, मोदी लहर, सिर्फ मोदी जी का नाम चल रहा है। इसलिए एक अभूतपूर्व विजय हमको मिलने वाला है, उस विजय के लिए आप सभी लोग एक महीना अपना पूरा समय दे, इतना ही निवेदन आपसे करता हूं। और आपने मेरी बात को सुना, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।